हमें याद है ब्रह्मा बाबा के साथ जब हम आबू में आए ना पहले पहले तो आबू में इतनी रश नहीं होती थी ये सीजन वगैरह जो आते हैं गेस्ट बन करके के अभी सीजन में वो नहीं थे टूरिस्ट थे ही नहीं और ये नकी लेख भी इतनी बनी हुई नहीं थी एक कि नसर बना हुआ था तो हम जब आए थे तो उन दिनों में ब्रह्मा बाबा के साथ हम बहुत पैदल चक्कर लगाया ये जो पहाड़ियाँ है ना ऊंची ऊंची उसमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ हम गए हैं। बाबा को बहुत वो रुचि होती थी बच्चों को घुमाने की जहाँ तहाँ बाबा साथ ले चलता था इतने तक जो हम ऊपर से नीचे पैदल गए बाबा के साथ और आप सोचो बाबा के साथ जब गए होंगे तो बाबा ने रास्ते में कितना बहलाया होगा हमारे साथ ग्रामोफोन भी था रिकॉर्ड भी थे वो बीच बीच में जब थोड़ा थक जाते थे ना पैदल तो बाबा वहाँ खड़े हो कर के पिकनिक भी कराते थे डांस भी कराते थे किनारे में जंगल जंगल तो है अभी तो फिर भी अच्छा है तो बाबा पैदल हम लोगों को नीचे तक ले गए थे हम दो रात रहे थे नीचे एक स्कूल में फिर ऊपर पैदल आए थे तो बाबा सब जगह जाते थे तो दिलवाला मंदिर है ना वहाँ भी बाबा के साथ हम गए हैं अचल घर है ना ऊपर वहां तक भी बाबा के साथ पैदल गए अब बाबा ऐसे चलता था बाबा का लंबाई है ना चित्र में आपने देखा होगा तो बाबा की टांगे तो ऊंची थी ना तो बाबा चलने में बहुत फास्ट था जानबूझ के बाबा क्या करता था पहले कहता था बच्चे तुम आगे चलो मैं बैक बोन हूं ना मैं देख रहा हूँ कौन कौन कैसे चल रहा है तुम आगे चलो तो हम आगे चलते थे बाबा पीछे आता था फिर बीच में क्या करता था बाबा तो जल्दी कदम उठाता था ना हम लोग फिर भी ऐसे ऐसे चलते थे बाबा तो फास्ट तो बाबा क्या करता था बीच में ही आगे चले जाता था फर्स्ट नंबर में वहां खड़े होके कहता था सब बच्चे ठीक है अच्छे है थके तो नहीं है दृष्टि देते थे तो बाबा दिलवाला मंदिर में भी हमारे साथ गए तो जब दिलवाला मंदिर में ये मूर्ति देखी ना दिलवाला की है ना मूर्ति तो बाबा कहता था देखो ये कौन है तुम यहां देख रहे हो साकार में यहाँ चित्र देख रहे हो दिलवाला वाला तो आप भी ऐसे ही अपनी तकदीर की तस्वीर देखते रहना सामने बस मैं ये जाके बन नहीं है क्योंकि भगवान ने हमको वरदान दिया है भगवान ने हमारी को तकदीर बना के दी है तो बाबा को अपना कृष्ण का छोटा रूप बहुत याद रहता था तो बाबा कहता था समझो बाबा अमृत वेले उठा है तो कोई कोई बहने ऐसे स्पेशल बाबा से गुड मॉर्निंग करने जाती थी तो गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा कहता था देखो मैं गद्दी पर बैठा हूँ ना बाबा के पांडव भवन में कमरे में देखा होगा ना गद्दी बिछी हुई है तो बाबा कहता था देखो टांग बाबा हमेश बैठता था ना ऐसे टांग टांग पर ऐसे तके पर वो रख करके और टांग टांग पर चढ़ा करके ऐसे बैठता था तो बाबा कहता था देखो मेरे को अपना ये जो छोटा रूप है ना श्री कृष्ण का वो सामने दिखाई देता है और मैं ऐसे ही समझता हूँ जैसे ये शरीर एक ड्रेस है ना अभी मेरी ये ड्रेस बुजुर्ग की है ब्रह्मा बाबा की और मैं सामने जैसे ऐसे देखता हूँ जैसे खूटी पर कोई ड्रेस लटक रही होती है ना और बस ये पहनना है ऐसे मैं भी देखता हूँ कि अभी मेरी बुजुर्ग ड्रेस है बस कल जा कर के ये जो ड्रेस लटक रही है ना सामने तुम देखते हो ये ड्रेस नहीं लटक रही है बस ये जाके पहनेंगे तो बाबा को बिल्कुल एकदम सामने इमर्ज था कि मुझे क्या बनना है इतना ही क्लियर हम लोगों को भी ये हो हम ब्रह्मन सो फ्रिश्ता फ्रिश्ता सो देवता